अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। बाइट इट के किचन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल हेल्दी तरीके से घर में चिकन क्यूब्स। बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। तो उसके लिए ले ली हैं हमने ये कुछ चिकन की हड्डियाँ, जिसमें मैंने ली हैं गर्दने और चिकन के विंग्स वगैरह। आपने हड्डी वाला ही गोश्त लेना है, आपने बोनलेस चिकन नहीं लेनी है। तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब जो है ये हड्डियों वाली चिकन है। और उसके अलावा डलेंगी इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ले ली है 1 पूरी लहसुन की गट्ठी और 4-5 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 बड़े साइज़ की गाजर थी, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज थी और ये थोड़ा सा अदरक का पीस था जिनको मैंने रफली रफली सा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पतीली लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर घी और उसमें हम इस चिकन को भून लेंगे ताकि चिकन का ज़रा सा कच्चापन जो है निकल जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। तो चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। हमने तकरीबन 2 लीटर के करीब जो है वो पानी इसमें डाला है क्योंकि हमने इसको पकाना है और इसकी यखनी निकालनी है बहुत देर तक। अब हम डाल देंगे इस पानी के अंदर सारी वेजिटेबल्स अपनी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के नमक का और जाएंगे 2 तेज़पात। और उसके अलावा मैंने डाली है इसमें 5-6 अदद काली मिर्चें। बस ये सब चीज़ें डाल के हम इसको आँच तेज़ करके पकाने के लिए छोड़ देंगे और जब इसके अंदर जोश आने लगेगा तो फिर हम इसको हल्की आँच करके 3 से 4 घंटे के लिए इसको बिल्कुल हल्की आँच पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारी यखनी जो है वो आधी से भी कम रह जाए। देखें कितनी हमने देर इसको पकाया है कि हमारी यखनी बिल्कुल इतनी सी रह गई है और चिकन इतनी गल चुकी है कि हड्डी में से खुद ही निकल जाए। अब हमने क्या किया है, यखनी को अलग से छान लिया है, चिकन को अलग निकाल लिया है और ये हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने अलग कर लिया है। अब हम इस चिकन को जो है वो हड्डियों में से इसका गोश्त निकालेंगे और फिर हम इस वेजिटेबल को और चिकन को जो है इस यखनी के साथ मिलाकर पीस लेंगे। देखें चिकन जो है वो हड्डियों में से पूरी निकल गई है। अब हम इसको एक जग के अंदर डालेंगे। हमने चिकन डाली, अपनी वेजिटेबल्स डाली और ये हम यखनी इसके अंदर डाल डाल के जो है हम इसको पीस लेंगे, बहुत बारीक सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 अदद हम पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून के बराबर घी और उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के मैदा। हमने मैदे को जो है वो इस घी के अंदर भूनना है इतना कि इसके मैदे का जो है वो कच्चेपन ख़त्म हो जाए। देखें कितने अच्छे तरीके से मैदा जो है वो भून चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, नमक जो है वो हमने यखनी में डाला हुआ था। अब 1 टेबल स्पून के बराबर जो है धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है, इसलिए मैं इसमें अभी नमक जो है वो नहीं शामिल करूँगी। और इसके अलावा मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से इस मसाले को भी मैदे के साथ और घी के साथ जो है वो भून लेंगे। अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत यखनी पीस हमारे वो पीसने के बाद बच गई थी वो यखनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि हम इसमें कोई गुठलियाँ ना बनी रह जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता ये पकते पकते जो है ये बैटर गाढ़ा होने लगेगा। और मैंने इसके अंदर अब शामिल किया है 1 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला। देखें ये हमारा जो पेस्ट सा बना है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने जो अपनी वेजिटेबल्स और चिकन को पीस के रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मुसलसल आँच हमने बहुत हल्की रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारा सारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से पका हुआ है। बस आपने इतना इसको पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और पैन को छोड़ दे। देखें ये रिक्वायर्ड हमारे हिसाब से जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया था और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था। उसके ऊपर हम अपने इस बैटर को फैला देंगे। आपने गरम गरम बैटर को ही फैलाना है, आपने ठंडे करने का इंतज़ार नहीं करना, नहीं तो वो जमना शुरू हो जाएगा। अच्छी तरह से आप इसको लेवल कर दें, कहीं से मोटा या पतला ना रहे। और फिर इसको हमने 4-5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देना है ढक के। और देखें 4-5 घंटों के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसको जितने हमें क्यूब्स चाहिए उसके हिसाब से हम इसको काट लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये कट जाते हैं और देखें कितनी आसानी के साथ जो है ये निकल आए हैं।
मेरी ट्रे ज़रा बड़ी थी, आप अगर चाहें तो मोटे क्यूब्स जो हैं वो भी जमा सकते हैं, या आप इसे आइस क्यूब के अंदर डालकर उसमें भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से क्यूब्स बन के तैयार हुए हैं, और इतनी से चिकन के साथ और इतने ढेर सारे ये क्यूब्स बन गए हैं जो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और बिल्कुल हेल्दी तरीके से घर में बने हैं। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से एक एक क्यूब को अल्मीनियम फॉयल के अंदर रख कर भी फोल्ड कर सकते हैं और इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस आपने इन क्यूब्स को जो है वो फ्रीज़र में ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डाले हुए हैं। आप इनको बनाएं घर में, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।